इम्पॉर्टेंस ऑफ सीन। सीन कहानी कहने और लिखने का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सीन्स एक कहानी को स्ट्रक्चर देते हैं कि कहानी कैसे और किस दिशा में जा रही है। हर सीन का बिगनिंग, मिडिल एंड एंड पॉइंट होना चाहिए और कहानी को किसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। सीन्स को हम कैरेक्टर के इमोशंस, प्लेस, चैलेंज और लव, इन सभी सेटिंग और माहौल बनाने के लिए करते हैं। सीन के जरिए हम कहानी को इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए दंगल मूवी ले लेते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऑफिस वाले सीन के जरिए ये बताया गया है कि आमिर खान को, यानी के महावीर फोगाट को, रेसलिंग में दिलचस्पी है। वही दूसरी सीन जिसमें वो अपने ऑफिस के दोस्त को बताते हैं कि कैसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाने का उसका सपना टूटा। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहे थे। महावीर फोगट के इस सपने को उसके बेटियों को बताने और उन्हें इस लायक बनाने का जो सफर है वो हम सब सीन्स के जरिए देखते हैं। सीन डेवलपमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीन डेवलपमेंट क्या होता है। सीन डेवलपमेंट एक कहानी में सीन को बनाने और उस सीन से बाहर निकलने का प्रोसेस है। जब कभी भी कोई नाटक या मूवी में एक तरीके का माहौल नहीं रहता, कभी खुशी तो कभी गम रहता है, हर सीन को बदलते रहना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक ही माहौल को लेकर चलेंगे तो ये रीडर्स को बोरिंग भी लग सकता है। सीन डेवलपमेंट का मेन मोटिव होता है कैरेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डालना या उस पर कोई गहरा असर छोड़ना। ये किसी भी घटना की वजह से हो सकता है या सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे थ्री इडियट्स मूवी में राजू रस्तोगी अपने करियर से डरकर फरहान और रैंचो से दोस्ती तोड़कर चतुर के साथ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से उन तीनों दोस्तों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है और सीन डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। राजू नाराज़ है अपने दोस्तों से, बस उसको मनाने के लिए रैंचो और फरहान चतुर को टारगेट करके एक प्लान बनाते हैं ताकि वो उसे समझा सके, मगर वो तब भी नहीं मानता। इस सीन का एंड तब होता है जब राजू के फादर को इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तब जाकर राजू को रियलाइज होता है कि उसके दोस्त असल में उसके सच्चे दोस्त हैं, जो हर वक्त उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पर हमारे इस सीन का एंड होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और राजू को ये भी रियलाइज़ होता है कि करियर से डरकर भागने से कुछ नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से आया है, एटीट्यूड नहीं होगा सर। सीन डीप में। अभी तक हमने देखा कि सीन एग्जैक्टली होते क्या है और उन्हें कैसे डेवलप किया जाता है, पर अब जानते हैं सीन डीपनिंग के बारे में, जिससे आपकी कहानी और भी ज्यादा रोमांचक बनती है। सीन डीपनिंग का मेन मोटिव होता है कहानी में हो रहे सीन को और भी ज्यादा गंभीर और इंटेंस बनाने के लिए काम करना। इसमें कैरेक्टर और उसके एक्शन, रिएक्शन, इमोशंस और उनके सराउंडिंग में चल रही कहानी के बारे में छोटी सी छोटी चीज़ को हाईलाइट किया जाता है ताकि वो सीन में अपना प्रभाव डाल सके और सीन को डीप कर सके। एग्जाम्पल, जैसे कि बाहुबली 2 में अमरेंद्र बाहुबली का देवसेना को गलत तरीके से छूने पर उस सिपाही का गला काट देना, इस सीन को राइटर द्वारा बहुत ही डिटेल में दर्शाया गया है।